Good morning, my dear students. Hope you all are fine and you have completed all the work regarding chapter 5. So, my dear students, today we will see the explanation of chapter 6, that is the Indian Constitution. It is here. The Indian Constitution meaning neat, silent features and importance. Meaning of a Constitution. यानी एक संविधान का क्या अर्थ होता है वह हम इसमें जानेंगे. ए कॉन्स्टिट्यूशन इज अ फंडामेंटल लीगल डॉक्यूमेंट दैट कंटेन्स द रूल्स अकॉर्डिंग टू विच द गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री फंक्शन. यानी एक कॉन्स्टिट्यूशन एक संविधान एक फंडामेंटल लीगल डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर उस देश के गवर्नमेंट के द्वारा जो भी फंक्शंस हैं या रूल्स हैं वो सब बनाए जाते हैं या उन सब रूल्स को फॉलो किया जाता है गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग. दीज रूल्स और लॉ आर कॉल्ड द बेसिक लॉज. दीज लॉज आर सुपीरियर टू ऑल द लॉज ऑफ अ कंट्री. एज यू नो दैट एवरी इंडियन शुड हैव टू फॉलो द रूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. सो दीज आर द सुपीरियर लॉज ऑफ अ कंट्री. दैट इज The law written in the Constitution act as the source according to which rules and regulation of governing a country are framed. यानी written जो laws होते हैं Constitution acts के अनुसार वही जो होते हैं वह भारत के या rules और regulations जो होते हैं वो governor of a country का मतलब पूरी तरह से frame करते हैं कि government जो होती है वही उनको पूरा control करती है. नेक्स्ट लाइन देखेंगे यहाँ पर. एवरी लॉ इनेक्टेड बाय द गवर्नमेंट हैज़ टू बी इन कन्फर्मिटी विद द कॉन्स्टिट्यूशन. यानी जो भी लॉज हैं गवर्नमेंट के द्वारा वो सब जो है कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट से बाधित होते हैं. यानी गवर्नमेंट ही उनको रन करती है या फिर जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो भी नियम और कानून आते हैं गवर्नमेंट भी उनका ध्यान रख के सारी चीज़ों को अपने जो शासन प्रणाली है उसके अंदर अप्लाई करती है. हाउ एवर द कॉन्स्टिट्यूशन ग्रोज एंड इवॉल्व्स कॉन्स्टेंटली अकॉर्डिंग द नीड्स. यानी कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा भारत का संविधान जो है वो कैसे ग्रो करता है. जब भी भारत के नागरिकों को कोई आवश्यकता होती है रिक्वायरमेंट होती है एंड एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल और लोगों की कुछ इच्छाएँ होती हैं देन फंक्शनिंग इंस्टीट्यूशन या किसी भी इंस्टीट्यूशन को रन करना हो या फंक्शन के लिए उसके इंस्टीट्यूशन के किसी भी फंक्शन के लिए कि वो कैसे सही से कार्य करे उसके लिए जो है फेर बदल हो सकते हैं संविधान में. ऐसा नहीं है जैसे कि अभी हमारे देश में 370 एक्ट था उसको हटाया गया था तो उसी प्रकार कोई भी अमेंडमेंट जो है वो गवर्नमेंट कर सकती है लोगों की आवश्यकता के अनुसार. ओके नाउ नीड फॉर अ कॉन्स्टिट्यूशन यानी हमें एक संविधान की आवश्यकता क्यों है. So students, in to run a country, to give the rules and regulation for a country, for the citizens, every country need a constitution. In a democratic country like India, the importance of the constitution is more significant. Okay, a constitution is needed for the following reasons. पॉइंट नंबर वन इन अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. डेमोक्रेटिक मीन्स लोकतंत्र जहाँ पर जनता के द्वारा वोटिंग करके अपना लीडर हम चूज करते हैं. द सिटीजन पार्टिसिपेट इन द फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. यानी सिटीजन्स जो नागरिक होते हैं वो पूरी तरह से गवर्नमेंट के साथ हर कार्य में सम्मिलित होते हैं चाहे वो डायरेक्टली हों या इनडायरेक्टली हों. इट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन इन विच द गवर्नमेंट पावर्स एंड सिटीजन्स राइट्स एंड क्लियरली डिफाइंड. कॉन्स्टिट्यूशन ही है जिसके अंदर सरकार की सारी पावर्स एंड सिटीजन्स के राइट्स क्लियरली जो है डिफाइन किए गए हैं. इट प्रिवेंट्स द गवर्नमेंट फ्रॉम मिसयूजिंग राइट्स. यानी इट प्रिवेंट्स द गवर्नमेंट फ्रॉम मिसयूजिंग द राइट्स. यानी अधिकारों को कहीं पर हनन ना हो इसीलिए ये अधिकार देता है इस चीज़ का कि सुरक्षा करता है हमारा संविधान जो है कहीं पर भी मिसयूज ना हो हमारे अधिकारों का. दस इट सेफ गार्ड्स द राइट्स ऑफ द सिटीजन. और इस प्रकार ये हमारे नागरिकों के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है सेफ गार्ड की तरह काम करता है. नीचे आएंगे यहाँ पर
A constitution is a living document. Constitution जो है एक living document है. This means that it constantly grows and evolves according to the need of the people of a country. यानी ये जो है इसमें grow कैसे होती है, एक change भी हो सकता है लोगों की need के according. Next, every constitution represents the ideal value and vision of its founding fathers. यानी प्रत्येक संविधान जो है वो अपने कुछ आइडियल्स, वैल्यू और विजन्स दिखाता है अपने फाउंडिंग यानी जो उनके पूर्वज फादर थे या उनके जो पूर्वज रह चुके थे, उनसे पूर्व जो लोग रहे हैं उनके जो सिद्धांतों पर चलता है. इट मिरर्स द सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स एंड एस्पिरेशन ऑफ द पीपल. ये लोगों के सारे एस्पेक्ट्स को दर्शाता है, चाहे वो सोशल हो, पॉलिटिकल हो, इकोनॉमिक हो. ठीक है, नेक्स्ट पेज पर आएंगे हम. In a democratic, we choose our leaders so that they can exercise their power responsibly on our behalf. यानी लोकतांत्रिक देश में क्या होता है कि हम अपना लीडर स्वयं चुनते हैं और हमारी तरफ से वो लोग अपने जो है पूरे जो है ड्यूटीज़ निभाते हैं. Our constitution guarantees the rights of equality all person. हमारा संविधान जो है हमें भेदभाव नहीं करते, सबको जो है समान अधिकार देता है, इक्वलिटी का अधिकार देता है. अकॉर्डिंग टू इट, इसके अनुसार नो सिटीजन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द ग्राउंड ऑफ कास्ट, रिलीजन, रेस, जेंडर एंड बर्थ ऑफ प्लेस ऑफ अ बर्थ. यानी हमारे जो संविधान के अनुसार कोई भी नागरिक जो है उसे डिस्क्रिमिनेट यानी उसे भिन्न नहीं किया जा सकता कास्ट के आधार पर, धर्म के आधार पर, रेस प्रतिस्पर्धा के आधार पर, यानी जेंडर के आधार पर और प्लेस ऑफ बर्थ और जन्म स्थान के आधार पर हम उससे भेदभाव नहीं कर सकते हैं. द राइट टू इक्वालिटी इज़ वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल राइट्स मेंशन इन आर कॉन्स्टिट्यूशन. हमारे जो संविधान है उसके अंदर जो है इक्वालिटी का, समानता का अधिकार जो है वो सर्वोपरि है. नेक्स्ट, आर कॉन्स्टिट्यूशन मेंटेन्स अ लॉजिकल बैलेंस बिटवीन द राइट्स ऑफ अ इंडिविजुअल वन हैंड एंड द इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी ऑन अदर. हमारा जो संविधान है वो एक लॉजिकल जो है तालमेल बिठाकर चलता है लोगों के स्वयं के अधिकारों के बीच में और सोसाइटी के बीच में भी, कि सोसाइटी कैसे चलनी चाहिए या किसी एक इंडिविजुअल का, किसी खाली एक व्यक्ति का क्या अधिकार होना चाहिए, इसमें पूरा तालमेल बिठाकर हमारा जो संविधान है वह चलता है. नेक्स्ट, आर कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ यूनिक एग्जाम्पल ऑफ फ्लैक्सीबिलिटी, डायनेज्म एंड कंटिन्यूस ग्रोथ. हमारा जो संविधान है वो एक अनोखा एग्जाम्पल है फ्लैक्सीबिलिटी, यानी कभी भी फ्लेक्सिबिलिटी आ सकती है लोगों की आवश्यकता के अनुसार. बताया था मैंने आपको डायनेज्म एंड कंटिन्यूस ग्रोथ. आर कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ मेंटेन्ड अ रेशनल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल बैलेंस अमंग ऑल द थ्री ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट. हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो पूरी तरीके से रेशनल कॉन्स्टिट्यूशनल बैलेंस बनाकर रखता है, दैट इज एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड द जुडिशियल. ओके, सो टिल हियर आई हैव एक्सप्लेन. Remaining one I will explain in my another video. You have to go through it and you have to read it once or twice, because only by this method you can be familiar of the typical words and you will understand the meaning of the typical words. Okay, so read it once or twice and wait for my next video. Okay, thank you.